सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में, जहां हम सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देते हैं। और इस हेल्थ मंत्रा में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ब्रिजेश पाठक, जो कि एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन है और हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश पाठक, एमसीएस प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट भी हूँ। मैं लखनऊ में एज अ प्राइवेट प्रैक्टिसनर हूँ। बहुत सारी संस्थाओं में लखनऊ में मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं फाउंडर हूँ अपने ही एक सेंटर जिसका नाम है प्लास्टिकोज, एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर का फाउंडर भी हूँ। डॉक्टर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक ये कॉस्मेटिक सर्जरी होती क्या है। कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली एक टर्म है प्लास्टिक सर्जरी, जो हम लोग अपने रेजिडेंसी शिप में हम लोग सीखते हैं। वो दो पार्ट में डिवाइड है, प्लास्टिक सर्जरी एज वेल एज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। बहुत से लोगों के अंदर ऐसी धारणा रहती है कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब सिर्फ चेहरे को ही सही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में एक कॉस्मेटिक पार्ट अलग हो गया, एक रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट अलग हो गया। तो प्लास्टिक सर्जरी में जो कॉस्मेटिक पार्ट है, उसमें चेहरे की सुंदरता, बनावट या कोई भी शरीर का अंग, नाक, कान, मुंह, जिसको हम सही करना चाहते हैं उसको सही कर सकते हैं। उसी के साथ में एक रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट आता है प्लास्टिक सर्जरी का, जिसमें कभी कोई एक्सीडेंटल केस है, ट्रॉमा है, या कैंसर के पेशेंट्स हैं जिसमें हमें उनको एक मांस का टुकड़ा या कोई बोन डिफेक्ट है उसको सही करना है, पैदाइशी हुए बच्चों के कटे हुए होंठ हैं या तालू हैं या उंगली जुड़ी हुई हैं, ये सब एक पार्ट एक कॉस्मेटिक सर्जरी में आ जाता है। जैसे किसी की आर्टरी कट गई, खून की नस कट गई, वैस्कुलर रिपेयर हो गया, नर्व रिपेयर हो गए, तो ये सारे पार्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी अलग से सिर्फ एक सुंदरता से रिलेटेड है, जिसमें कोई भी चेहरे पे कटे हुए निशान हैं या जले हुए लोगों के निशान हैं, सर पे बाल नहीं उसको उगाना, मोटापा है तो उनकी चर्बी को कम करना, कहीं पे एक अलग से गांठ है उसको हटाना, या किसी भी शरीर के अंग जैसे स्तन हो गए उनके उनके आकार को घटाना या बढ़ाना, ऐसे बहुत सारी सर से लेके पांव तक में अलग अलग अंग को हम कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा सही कर सकते हैं। इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी विधि है जिसमें कि हम जो भी व्यक्ति हैं जिनके सर पे बाल नहीं हैं, जो एरिया खाली हो चुका है, तो उसको हम अपने ही सर के पीछे वाले हिस्से के बालों को निकाल के जहाँ पे भी हमको आवश्यकता है वहाँ पे हम उनको लगाते हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि कॉस्मेटिक सर्जरी में लोगों की दिलचस्पी का कारण क्या है? आजकल बहुत लोग बहुत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, कॉस्मेटिक सर्जरी के बढ़ते प्रचलन का कारण एक ये है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है हमारे देश का, पूरे विश्व का, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर डॉक्टर ट्रेंड हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे हम लोग के देश में खुद ऐसी कॉन्फ्रेंसेज और CMEs हो रही हैं जिसमें हम लोग भी नई नई टेक्नोलॉजीज को सीख रहे हैं, जिससे कि हम हमारे सामने आने वाले जो भी व्यक्ति, जो पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताते हैं, तो हम उनको एक ऑप्शन दे पाते हैं। तो इस प्रकार से हर एक बड़े शहर में देश के कोई ना कोई अच्छा प्लास्टिक सर्जन है जो ये सारी विधियों का कर रहा है। तो जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो हम अपने सामने वाले पेशेंट्स को हम वो ऑप्शंस बता सकते हैं कि वो अपनी इसी समस्या को कितने किस परसेंटेज तक इसको कितने हद तक उसको सही कर सकते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है। फिर हमारी कुछ करी हुई विधियों को हम उनको उसके रिजल्ट दिखाते हैं, तो वो आसानी से इस चीज़ में एक डिसीजन ले पाते हैं कि उनको ये सर्जरी करानी है कि नहीं करानी है। ये बताइए कि अभी इस टाइम कौन कौन सी सर्जरी ज़्यादा चलन में है? कॉस्मेटिक सर्जरी में मुख्य तौर पे इस समय जो सबसे ज़्यादा कॉमनली की जा रही है वो है, उसमें पहले नंबर पे हेयर ट्रांसप्लांट है, दूसरे नंबर पे जो लाइपोसक्शन फैट वाली सर्जरीज हैं, तथा और भी बहुत सारी अन्य हैं सर्जरीज जिनको किया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा होने वाली सर्जरी वो है हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि इसका कारण है शायद कि दिन भर की दिनचर्या को लेके जो एक स्ट्रेस है यंग जनरेशन में, एक पढ़ाई का जो उनके ऊपर प्रेशर है, एक जॉब का एक प्रेशर है, तो इस प्रकार से जो मेंटल स्ट्रेस है प्लस हेरिडिटरी फैक्टर्स तो चली रहे, जेनेटिक फैक्टर्स तो साथ में चली रहे हैं, साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे वातावरण प्रदूषण, जल में प्रदूषण, तो ये सब एक कारण है एक मैक्सिमम हेयर फॉल होने का। तथा आज के ज़माने में हर कोई, एक व्यक्ति चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक अच्छे फर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उस फर्म के जुड़ने के साथ एक सबसे पहला जो उनको इंटरव्यू में चेक किया जाता है उनके लुक्स को लेके, तो इसलिए अपने लुक्स को सुधारने के लिए, अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट आजकल ज़्यादा प्रचलित हो रहा है।
ये लोग कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी हो या कुछ भी हो, इसमें ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या ये सच है? कितना सच है ये? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो किसी भी सर्जरी में हो सकते हैं, इसीलिए हम हमेशा यही बोलते हैं चूज़ योर डॉक्टर वाइजली। मतलब सब किसी भी सर्जरी में साइड इफ़ेक्ट्स माना जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस सर्जन से करवाएंगे तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की होने की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। और आजकल जो कॉस्मेटिक सर्जरी वो तो इतनी एडवांस हो चुकी है कि पेशेंट आते हैं सुबह और शाम तक अपने घर वापस भी चले जाते हैं, किसी प्रकार का कोई एडमिशन भी नहीं चाहिए होता है। तो ज़्यादातर सर्जरीज ऐसी हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट्स उसमें बहुत नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे मुख्य कारण इसमें जो ये है कि वो है कि आपको अपना डॉक्टर की क्वालिफिकेशन जरूर पूछनी चाहिए और उनके रिजल्ट्स जरूर आप उनको मापिए कि क्या वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये बता दीजिए कि कॉस्मेटिक सर्जरी का कितना परसेंटेज मान लें कि वो एकदम सफल हो जाएगा करवाने पे? अगर कोई देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ब्रॉड टर्म है और बहुत डिफरेंट सर्जरीज हो रही हैं, तो ये कह पाना कि कितने, और हर पेशेंट एक नया पेशेंट है, शायद किसी में कुछ कम करना हो, किसी में बहुत ज़्यादा करना हो, तो ये कह पाना कि कितने परसेंटेज ये इम्प्रूव कर जाएंगे, ये पहले से प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है। हर पेशेंट का एक अपना इंडिविजुअल क्राइटेरिया है, अपना एक इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ सक्सेस है। हाँ, लेकिन ये बात हमेशा डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को लेके वो पेशेंट के साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी रखे और जो भी आउटकम वो दे सकते हैं उसको बताएं। और कुछ स्पेशल पेशेंट्स होते हैं जिनकी शायद पहले से कोई बीमारी भी है और वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ भी डॉक्टर को ध्यान देना चाहिए कि उनको ये चीज़ बताएं। और अगर कोई ऐसी बीमारी पहले से है तो पहले उस बीमारी को हम नॉर्मल रेंज में ले आएँ, तभी हम उसकी आगे की सर्जरी को प्रोसीड करें। आजकल भाग दौड़ भरी है ज़िंदगी में और लोग स्ट्रेस में हैं, तो बहुत अधिकतर देखा जाता है कि समय से पहले बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट कितना असरदार रहेगा अगर कोई करवा रहा है तो? जी देखिए, बाल झड़ना एक शुरुआत होती है, एक सिंबल होता है, लेकिन अगर 40 से 50 या 100 तक भी बाल अगर किसी के गिर रहे हैं, क्योंकि बालों की एक लाइफ साइकिल है, बाल अगर आए हैं तो वो गिरेंगे भी अपने लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ पे फिर दोबारा भी आएंगे। इस चीज़ के लिए हमें मेनली जो व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए कि ये देखते रहना चाहिए जो हेयर फॉल हो रहा है वो इतना ना हो कि वो हमारे हाथ से चला जाए और हम उसको कंट्रोल ना कर पाएं। एक स्टेज तक तो हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बाल खाली हो चुके हैं वहाँ पे एक ट्रांसप्लांट द्वारा ही उस विधि को पूरा किया जा सकता है। और इस जो कहना है कि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, उसका एक मुख्य कारण यही है कि स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज़्यादा है, लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है अपने फ्यूचर को लेके, अपने कैरियर को लेके, प्लस जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है इस समय, जो क्योंकि जैसे बहुत सारे एयर में पॉल्यूशन है, पानी में पॉल्यूशन है, तो उसकी वजह से डैंड्रफ वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो हेयर फॉल का एक कारण हो चुका है। लेकिन अगर सही टाइम पे किसी डॉक्टर से या अच्छे एक्सपर्ट्स डॉक्टर से सलाह ली जाए तो आपके हेयर फॉल को रोका भी जा सकता है और एक बेस्ट रिजल्ट दिया जा सकता है। डॉक्टर ये बताइए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप कौन से विधि उपयोग करते हैं? मुख्य तौर पे हेयर ट्रांसप्लांट की दो विधियां हैं, एक है FUT जिसका नाम है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, दूसरी विधि है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। यही दोनों मुख्य तौर पे विधियां हैं, तो लेकिन इस समय जो ज़्यादातर हो रही है वो है FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इस विधि का फायदा फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन वाली टेक्निक से ये है कि इस विधि में किसी प्रकार का कोई चीरा, कोई कट, कोई टांके नहीं है, बहुत ही पेन फ्री सर्जरी है, कोई पेन नहीं होता है, पेशेंट आराम से सर्जरी कराते हैं, सुन रहता है पूरा जो भी एरिया जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, पेशेंट मूवीज़ भी देख रहे होते हैं उसी समय ट्रांसप्लांट कराते समय। तो FUE टेक्निक इस समय बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे डेवलप हो चुके हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो चुकी है, रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिल रहे हैं इससे। डॉक्टर ये बताइए कि शारीरिक बनावट के लिए, जैसे सुंदर लोग दिखना चाह रहे हैं, तो क्या उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी ज़रूरी है या कोई और अन्य उपाय आपके पास? देखिए, शारीरिक बनावट की सुंदरता को देखने के लिए ये हर किसी का एक अपना नज़रिया है। तो जैसे बहुत से लोग हैं किसी की नाक पिचकी हुई है, उनको ठीक है, अगर वो खुद सेटिस्फाइड हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपनी एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है कि हमें ये सर्जरी करानी है कि नहीं करानी है। डेफिनेटली अगर लेकिन शारीरिक बनावट के लिए लेके अगर मैं बोलूं तो कुछ हद तक तो मेडिसिंस काम करती हैं, लेकिन सारे फैक्टर्स में नहीं करती। सपोज जैसे मैं बताऊं कि अगर सिर्फ नाक की सर्जरी करानी है तो कोई मेडिसिन आपकी नाक को सीधा या उठा नहीं सकती है, उसके लिए आपको प्लास्टिक सर्जरी करानी है।
अगर आपको अपने लिप्स पतले लग रहे हैं उसको सही कराना है तो डेफिनेटली हमको उसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। हाँ, अगर चर्बी वाली बात है, मोटापा ज़्यादा है, तो हद तक हम अपने डाइटरी कंट्रोल या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं बेटर लुक के लिए। डॉक्टर, ये बताइए कि सबसे पहले अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा, तो वो कैसे डॉक्टर चूज करे, किन किन बातों का ध्यान रखे? जी, बहुत ही अच्छा खुश सवाल है आपका। देखिए, किसी भी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट को ही अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लें, अगर आप देख रहे होंगे बहुत सारे सेंटर्स लखनऊ में खुल रहे हैं और अन्य शहरों में भी खुले हुए हैं, लेकिन वो हर किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं। तो इसमें मुख्य रोल जो हेयर ट्रांसप्लांट का है वो सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जन का है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि वो ओवरऑल पेशेंट को एसेस करते हैं। ये एक आर्टिस्टिक टेक्निक है, हर पेशेंट एक अलग है। हमें सिर्फ बाल नहीं उगाने हैं, ऐसा नहीं कि बाल हमने लगा दिया उग जाएँ, क्योंकि बाल उगते तो भालू के भी, लेकिन वो सुंदर नहीं लगता है। तो हमको ऐसे डायरेक्शन में लगाने हैं बाल कि उसका लुक वो, क्योंकि आपके पास आया है सुंदर होने के लिए। तो पेशेंट को, एज अ पेशेंट, उसको ये देखना चाहिए कि जब वो फर्स्ट टाइम किसी क्लिनिक पे गया है तो उसकी जो काउंसलिंग या कंसल्टेशन हो रही है वो वही डॉक्टर कर रहा है जो उनकी सर्जरी करेगा या नहीं। क्योंकि बहुत से सेंटर पर काउंसलिंग कोई और करता है, सर्जरी करने कोई और आता है, क्या वो डॉक्टर उससे बाद में फॉलोअप करते समय उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई समस्या है तो उसको डॉक्टर ही एक सॉल्व कर सकता है जिसने उसे सर्जरी की है। थर्ड चीज़ हमें ध्यान देना है कि उस सेंटर पे कितनी सर्जरीज इन अ डे हो रही हैं। आजकल के बिजनेस मॉड्यूल में देखा जा रहा है कि बहुत से सेंटर दिन में 4-4, 5-5 सर्जरीज कर रहे हैं, जिससे कोई ना कोई पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि ये इतनी लंबी सर्जरी होती है 6-7 घंटे की, जिसमें अगर एक सर्जरी दिन में की जाए तभी उसको एक पूरा प्रॉपर एंड तक एक अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि उस सेंटर पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो प्रॉपर स्टरलाइजेशन टेक्निक से किए जा रहे हैं, जिससे कि आगे होने वाले कोई भी इन्फेक्शन ना हो। प्लस आपका ट्रेन डॉक्टर कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, प्लस आप उनके पास जाके उनके रिजल्ट्स को जरूर एसेस करिए, प्रीवियस रिजल्ट्स को, जिससे कि आप एक अनुमान लगा सकें और हो सके तो उनके जो प्रीवियस पेशेंट्स उनसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश करें कि क्या ओवरऑल उनका क्या एक्सपीरियंस था। बात हेयर ट्रांसप्लांट की करते हैं तो आजकल बहुत हेयर एक्सटेंशन चला हुआ है मार्केट में, तो इसमें मतलब लोग कह रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं होते, तो क्या सच्चाई है इसकी? हेयर एक्सटेंशन एक वन ऑफ द मेथड है अपने बॉल्डनेस को छुपाने के लिए, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सस्ते भी आते हैं जो आसानी से पता में चल जाते हैं। एक्सटेंशन जो यूज़ किया जाता है वो एक अगर मेरी फिर भी एक राय है, अगर किसी के पास अच्छा डोनर एरिया है जहाँ से हम बाल निकाल सकते हैं, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि वहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स होती है नेचुरली ग्रो करते हैं, आप इसको कटवा सकते हैं, पूरा शेव करा लीजिए फिर से वापस आ जाएंगे। आपको इसमें डेली जैसे एक्सटेंशन जो होते हैं उसको चिपकाना पड़ता है ग्लू से, फिर वो स्किन पे एक एलर्जी कॉज करता है, वहाँ पे एक जख्म बन जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा और एक आपको हेयर ट्रांसप्लांट से एक नेचुरल रिजल्ट मिलेगा। जो भी रिजल्ट है वो आपको नेचुरल रहेगा। एक्सटेंशंस एक हद तक आपको बहुत मैनेज करना पड़ता है, आपको बहुत उसके लिए समय निकालना पड़ता है, ऐसी चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट के साथ नहीं है, बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ रहती है उसके साथ। आप दर्शकों को हमारे बता दीजिए कि स्किन को अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आप एक कॉस्मेटिक सर्जन है, तो क्या कुछ करें वो? स्किन को अच्छा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमको जितना हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड रहना चाहिए खाने के, और मैक्सिमम जितना हम अपने, गर्मी का सीज़न है तो अपने आप को हाइड्रेट रखें। कोशिश करें कि जब भी हम बाहर कभी धूल में जा रहे हैं या धूप में जा रहे हैं तो अपने फेस को कवर करके रखें, प्लस कोई ना कोई सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें किसी भी प्रकार का नशा का यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, और साथ में जो बहुत सारे आजकल जंक फूड्स चल रहे हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है जंक फूड्स का, वो सारे एक फैक्टर्स हैं कि वो ओवरऑल वेट गेन कराते हैं, आपके बॉडी की पूरी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर देते हैं। तो इन सबसे हमें दूर रहना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए हमें अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ में रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर ब्रजेश पाठक, जो आपको इतनी सारी जानकारियां दी हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। और इसी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए तब तक के लिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।